हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसानी से बनने वाली एग बिरयानी। चलिए फ्रेंड्स बनना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे बॉयल 4 एग लिए हैं, इनके हम छिलके उतार लेंगे। छिलके उतार लिए, देखिए। नेक्स्ट हम कुकर में ले लेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तेल गर्म होते उसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची। इनको हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। भून लेने के बाद मैं ऐड करूंगी 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, 3 हरी मिर्ची चीरी हुई। गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए इसको हम 1 मिनट के लिए हल्का चलाते रहेंगे। अब मैं ऐड करूंगी 2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। मसालों का कच्चा पन अच्छे से भून लेना है। अब मैं ऐड करूंगी 1 टमाटर बारीक कटी हुई। मसालों जब तक तेल अलग न हो जाए तब तक मुझे इसे भून लेंगे। इसे भून ले, अब मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच नमक। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बॉईल किए हुए एग दे देंगे। मसालों और एग को अच्छे से मिक्स करके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच दही। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब अच्छे से मिक्स हो चुके देख सकते हैं। अब मैं ऐड करूँगी 1 कप चावल, जिनको मैंने आधे करने के लिए भिगो के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 2 कप पानी ऐड कर देंगे। सब कुछ इसे मिक्स कर लिया है। अब कुकर का ढक्कन लगा के हम 2 विसल आने देंगे। 2 विसल बाद हम कुकर का ढक्कन हटा के देख लेंगे। ये देखिए एग बिरयानी जो बन के तैयार है। इसके ऊपर मैं दे दूंगी चॉप किए हुए कोरिएंडर लीफ, 2 चम्मच घी। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए चावल जो कितने खिली खिली बने हैं। इस तरीके से आप लोग बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगी बिना के झंझट के। मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी लेकर।